गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल आशुतोष व्लॉग्स। तो गाइस, सभी बज चुके हैं सुबह के 12:30 और वक्त हो गया हमारा व्लॉग स्टार्ट करने का। तो जी हाँ गाइस, तो अभी अभी जैसे मैंने अब आपको बताया कि अभी बज चुके हैं 12:30 और मेरे को लग रही है भूख, और देखते हैं कि मम्मा ने खाने में क्या बनाया। तो चलो देखते हैं कि मम्मा ने आज खाने में क्या बनाया। तो देखते हैं क्या बनाया आज खाने में, ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। हेलो मम्मा, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, जैसे कि आपको दिखा दूँ, अभी तो घर में बना ब्रेकफास्ट में पोहा, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है। बीच में आलू पड़े हैं और साथ में इधर कुकर पड़ा, कुकर में देखते क्या बना। पानी, ये कौन सी डिश है मम्मी? ये पानी वाली डिश है। मतलब ये पानी वाली डिश है, देखो उसमें होगा भी कुछ है। देखो देखो क्या है, और देखो कुछ और भी है। चलो पानी है, पानी है। हाँ, अरे इसमें आलू बॉईल किए थे मैंने पोहे में डालने के लिए। अच्छा, अभी मैंने बर्तन धोए नहीं, अभी मैं अपनी पूरी जो सेल्फ है वो साफ कर रही हूँ। इसमें आलू बॉईल किए थे और वो इसमें डाले थे पोहे में। अरे अरे अरे, तो गाइस आज वो बड़ा पॉपुलर हो गया हमारा। टाइम हो रहा है शाम के 7:30 और अब टाइम होगा हमारे केक बनाने का। जी हाँ गाइस, आज मैंने और मम्मा ने सोचा कि हम घर में होममेड केक बनाएं। तो चलिए गाइस, दिखाता हूँ कि हम होममेड केक कैसा बनाते हैं और बनता भी हमसे ठीक भी नहीं। तो अभी केक बनाने में कुछ ये इन्ग्रीडियंट काम आते हैं, जैसे बिस्किट हो गए, इनो का एक छोटा पैकेट, दूध और साथ में चीनी, और आपको एक विस्क लेना होगा। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप स्पून के साथ भी कर सकते हैं। वैसे तो विस्क के से क्या होता है ना कि गैस बैटर काफ़ी अच्छा स्मूथ हो जाता है, तो विस्क काफ़ी अच्छा होता है। और बिस्किट हम ले रहे हैं सनफिस्ट के। अगर आपने चॉकलेट फ्लेवर का केक खाना है तो आप ओरियो के बिस्किट ले सकते हैं, या फिर आप टाइगर क्रंच के बिस्किट, वो आपकी मर्जी। आपने कौन से बिस्किट का मतलब केक बनाना है, तो हम केक बनाने लगे हैं सनफिश के बिस्किट का। तो आइए बने रहिए हमारे साथ कि हम केक कैसे लगे हैं। तो मम्मा जी से पूछ पूछ के बनाएंगे केक में कैसे 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 बनाते हैं। मेरे को केक तो बनाना आता नहीं, तो मम्मा पीछे पीछे बताइए। तो मम्मा बताओ पहले क्या करना है। हाँ, तो पहले इसको उसमें डालो, थोड़ा कट करके बिस्किट को। हाँ, मिक्सी जार में डालो उसको। ठीक है, ये मैंने बिस्किट पर तोड़ रखे थे गाइस, आप इसे तोड़ने हैं तो डाल दो, बस क्रश करने हैं डाल दो बस। मम्मा दोनों को दोनों पैकेट डालने हैं? दोनों डाल लो, दोनों पैकेट डालो इसमें। सो गाइस, फर्स्ट टाइम हम केक बनाने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है। माइक्रोवेव में हम बनाया था पहले फर्स्ट टाइम, तो तब तो बहुत अच्छा बना था, और आज हम बनाएंगे इसको गैस पे। तो गैस में तो पापा ने पिछले संडे को बनाया था गाइस, पापा से तो केक अच्छा बनेगा, तब देखते हैं मेरे से कैसे बनता है। पापा ने केक तो ऐसा बनाया जैसे वो एकदम मार्केट जैसा लग रहा था, जैसे मार्केट से लेके आए थे, बहुत अच्छे से वो बहुत अच्छा ऐसा रोस्ट भी बहुत अच्छे से हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अभी हम मार्केट से केक लेके आए हैं, कि हमने बर्थडे घर में किसी का, तो हमने केक बनाया। अब आपके फ्रेंड आशु को देखते हैं कि वो कैसे बनाता है। पापा ने तो बहुत अच्छा बनाया था, पापा का बेटा कैसा बनाता है वो देखेंगे आज। ठीक है ना, मम्मा ने बहुत अच्छा बनाया था माइक्रोवेव में। आज है आशु की बारी, तो आशु कैसे बनाता है वही देखेंगे। यस, आशु आज केक बनाने में होता है सफल या कामयाब। यस, सफल या क्या बोल रहे हैं मेरा बच्चा, सफल और कहता है या कामयाब। सबसे रेडी हो चुका है, इसमें हमने डाले हैं 5 चम्मच चीनी और दूध। हमने इस तरह डाला है कि इसका बैटर ऐसा बन के रेडी हो जाए, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो। सो अब हम केक बनाने की तैयारी शुरू करता हूँ। मम्मा आगे क्या करना फिर? आगे अब इसमें केक बनना है, तो इसको थोड़ा ऑयलिंग कर लो। ओके, ब्रश के साथ अच्छे से ऑयल लगा लो इसको। ठीक है, और इधर हमने बटर पेपर जो है वो कट कर लिया उसके हिसाब से, तो इस बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल लगा दो। ठीक है, दोनों को अच्छे से ऑयल लगा दो, रिफाइंड ऑयल। ठीक है, फिर आके बताते हैं, इसको भी ऑयलिंग करो पहले। तो ऑयलिंग हो गई है और बटर पेपर जो है वो उसमें लगा दिया है आशु अच्छे से, और इधर कढ़ाई में हमने रख दिया है, कढ़ाई में नमक डाल के
गैस हमने ऑन कर दिया नीचे से, फ्लेम उसका हाई कर देते हैं। ये नमक हमने इसलिए डाला है इसमें कि हमारी कढ़ाई जो है वो नीचे से जले ना, इसलिए हमने इसमें नमक डाला है। तो मम्मा बाकी बैटर इसमें डालो, ये इनो का पैकेट डाल दो बीच में इसमें। इसमें हाँ, इनो का पैकेट बैटर में डाल दो। अब इसके साथ ना बिस्किट के साथ हाँ अच्छे से मिक्स कर दो बैटर को अच्छे से। हाँ तो इसको अच्छे से डाल दो इसमें। अब इसमें डालो ये टूटी फ्रूटी, ओके अच्छे से ऊपर से उसको डेकोरेट कर दो। और इधर हमने गैस में जो हमारी कढ़ाई रखी थी और उसके बीच में ऐसे एक लगा देनी है आपने, प्लेट लगा देनी है ऐसे बीच में। इधर हमारा जो नमक है उसमें वो गर्म हो रहा है, कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो रही है, और इधर हमारा केक का जो बैटर है वो रेडी हो रहा है। टूटी फूटी डाल यस, अब इसको करना उठाओ और इसके ऊपर रख दो ध्यान से प्लेट के ऊपर। ओके रख दिया। हमारा केक है जो हमने इसमें रख दिया और ऊपर से ऐसे इसको हमने कवर कर दिया है। नीचे फ्लेम जो हमारी जो है वो हाई फ्लेम है, 2-3 मिनट हाई फ्लेम रहेगी, उसके बाद हम इसकी जो फ्लेम है वो धीमी कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको हम कुक करेंगे। इसके ऊपर यहाँ से जो बाहर इसकी एयर इसको कवर करना है। हाँ इसको कवर कर दो, जो बाहर इसकी जो है एयर वो बाहर ना आए। तो हेलो जी, केक बनने के बाद हमारा केक कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है और देखिए हमारा केक बन के कितना अच्छा रेडी हो गया, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, एकदम स्पंजी स्पंजी है, एकदम मार्केट के जैसा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा केक बन के रेडी हो चुका है, तो जिस जिसको मेरे केक की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट कीजिएगा गाइस, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए मेरे डेली रोज देखने के लिए। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।